ये जो गवर्नमेंट है इनको देश चलाने नहीं आता, ये टोटल फेलियर है देश चलाने में। हम स्टूडेंट्स इन्हें सिखाएंगे देश कैसे चलाना है। अगर नीला झंडा लाल सितारा, नीला झंडा लाल सितारा, लाल का मतलब इंकलाब, लाल का मतलब इंकलाब। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं उसका एक छोटा सा नमूना है यूपी, जिसके अंदर हमें देखने मिलता है वहाँ पर ना कोई माँ सेफ है, ना कोई बेटी सेफ है, ना कोई वहाँ पर बहन सेफ है। यूपी पुलिस डाउन डाउन, यूपी पुलिस डाउन डाउन, इंकलाब जिंदाबाद, कैंपस राइट जिंदाबाद, कैंपस राइट जिंदाबाद। आज हमारा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का जो प्रोटेस्ट है, यहाँ पर हमारा ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि जो हाथरस के अंदर रेप केस हुआ है उनको मिलने के लिए हमारी जो नेशनल डेलीगेशन जा रही थी, जो हमारे नेशनल लीडर जा रहे थे, स्टेट लीडर जा रहे थे, यूपी पुलिस उसको बीच में ही रुकाकर अरेस्ट कर ली है। हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको कंडम करते हैं। आप देखे होंगे जो यूपी के अंदर जो रेप केस हुआ है, एक दलित लड़की को उसका एक ज़बान काट दी गई है, उसका एक बहुत दर्दनाक तरीके से उसका रेप हुआ है और उसकी रीढ़ की हड्डी तक भी टूट गई है। इसके दौरान यूपी गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो बॉडी उसकी फैमिली को देने के बजाय रातों रात उसकी बॉडी को जलाया जाता है और नेक्स्ट डे एक रिपोर्ट पेश की जाती है, उसमें लिखा जाता है कि उसका रेप नहीं हुआ बोल के। ये बहुत शर्मनाक घटना है, हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको कंडम करते हैं और जो भी लोग उनसे मिलने जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, उनके हक को, उनके राइट्स को छीना जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट है इनको देश चलाने नहीं आता, ये टोटल फेलियर है देश चलाने में। हम स्टूडेंट्स इन्हें सिखाएंगे देश कैसे चलाना है। अगर इन्हें देश चलाना नहीं आता तो इससे अच्छा है कि ये लोग जाकर एक फिल्म इंडस्ट्री को चलाएं, क्या कि उन्हें एक बड़ा उनकी TRP बढ़े। ये जो ढोंगी योगी आदित्यनाथ है, जो ढोंगी है, ये इनको तो एक टोटल फेलियर है एक स्टेट चलाने में। पूरे स्टेट के अंदर एट्रोसिटीज़ बढ़ रहे हैं, ये रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, ये टोटल फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। तो इन्हें चाहिए कि इससे इस्तीफा देकर ये क्या है संन्यास लेकर बैठ जाए और जो भी उसके अंदर केसेस हो रहे हैं इनका टोटली इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इसको कंडम करते हैं। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं उसका एक छोटा सा नमूना है यूपी, जिसके अंदर हमें देखने मिलता है वहाँ पर ना कोई माँ सेफ है, ना कोई बेटी सेफ है, ना कोई वहाँ पर बहन सेफ है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा ये लोग ऐसे ही हमारे ऊपर ये जुल्म करेंगे, दलितों के ऊपर जुल्म करेंगे, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे, सिखों के ऊपर जुल्म करेंगे और अदर बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर ये लोग जुल्म करेंगे। तो इनका जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो फैसिस्ट आइडियोलॉजी ये लोग फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, और हमें इन्हें ये कभी इनका सपना हमें पूरा होने नहीं देंगे। जिस तरह सभी मिलकर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख दलित सब मिलकर जो इनके खिलाफ में लड़े थे, जैसा कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़कर उन्हें देश से यहाँ पर निकाल के फेंके थे, उसी तरह हम सब मिलकर ये जो भगवा आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो RSS और संघ परिवार के लोग हैं, जो BJP के लोग हैं, इन्हें भी हमें सत्ता से निकाल के फेंकेंगे और वक्त आने पर हमें ये देश से भी हमें इन्हें निकाल कर फेंकेंगे। ये एक देश के ऊपर काला धब्बा है, जब हमें इनके निकाल कर फेंकेंगे यहाँ से तभी जाकर इस देश में अमन व अमान बाकी रहेगा। तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ये जो अतीकुर रहमान को, जो हमारे नेशनल डेलीगेशन को अरेस्ट किया है, इसको कंडम करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए और इनके ऊपर जो फेक चार्जेस लगाए हैं इसको हटाया जाए और जो हाथरस के अंदर रेप इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो सिटिंग या रिटायर्ड जज के अंडर में, और जो भी इसके अंदर मुजरिम है, जो भी इसके अंदर पाए गए हैं उसको उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरा नाम डॉक्टर समामा, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम यहाँ मुस्लिम चौक के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट करने का यहाँ जमा होने का मकसद यह है कि जो कल हमारे नेशनल ट्रेजरर अतीकुर रहमान साहब अपने स्टूडेंट्स के डेलीगेशन के साथ जो हाथरस में रेप और मर्डर केस हुआ है, उनके पेरेंट्स से, उनकी फैमिली से रीच होकर मिलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में से ही अरेस्ट किया गया है। जब हम इंडिया की हालत देखेंगे तो इधर हमारे इंडिया में वुमेन सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे उन्नाव के वजह से और कठुआ के वजह से बहुत सारे रेप एंड मर्डर केस देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी से छोटी बच्ची भी सेफ नहीं है। ये हालत आज ये होने की इंडिया की जो वजह है एक BJP गवर्नमेंट है। हम देखते हैं कि उन्नाव केस में जो यहाँ पे एक्यूज था वो BJP का एक लीडर था, तो ये BJP गवर्नमेंट अपने लीडर्स को प्रोटेक्ट करने के वास्ते किसी हद तक भी जाती है। और जो कठुआ में हम देखते हैं रेप केस हुआ, उसमें भी एक RSS और BJP के लीडर्स अरेस्ट हुए थे जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखते हैं। तो ये दोनों माहौल का, देश का माहौल बर्बाद कर रहे हैं और यहाँ हमारे बहनों और माओं की सेफ्टी नहीं है इधर, तो उसी का अपोज करने के वास्ते हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अगर ये अभी माहौल इनके हाथ से नहीं कंट्रोल हो रहा है, BJP गवर्नमेंट के हाथ से,
तो ये अपनी सत्ता में जो सीट है उन्हें छोड़ दे और रिजाइन कर दे। हमें आता है कि ये माहौल को कैसा सुधारते हैं, अगर ये उनके हाथ से नहीं हो रहा है तो हम इंशाल्लाह आगे सुधारेंगे माहौल को। तो और जो हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया है, जो उनके साथ मिलने की कोशिश कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो इल्ज़ाम की माफ़ी मांगे और हमारे लीडर्स को जल्दी से जल्दी रिलीज कर दे। अगर नहीं किया जा रहा तो जो आज हम एक पूरा स्टेट वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे बड़े प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में करेंगे हम इंशाल्लाह। मेरा नाम शेख जईम, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, गुलबर्गा सेक्रेटरी।